हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है सिंपल ओवन। घरों में यूज, जो आप सिंपल ओवन यूज करते हो उसको किस प्रकार करना है और उसके क्या कार्य है, आपको आज उसके बारे में बताएंगे। ओवन बिजली से चलने वाला यंत्र है, ठीक है। यह गोल आकार का और कैबिनेट के रूप में होता है, जिसमें केक या सूखे ताप का प्रयोग कर भोजन को पकाया जाता है। जो आपका सिंपल ओवन है उसमें आप ब्रेड, केक, बिस्किट, पिज्जा, पेस्ट्री आदि बना सकते हो। ओवन गर्म करने वाले इसमें तार रहते हैं जो नाइक्रोम के बने होते हैं। गोल ओवन के किनारे में एक कैबिनेट ओवन के ऊपर और नीचे की तरफ लगे होते हैं, जो विद्युत ओवन में विद्युत की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न कर भोज्य पदार्थ में बेकिंग एवं भुनने का कार्य किया जाता है। जो आपका सिंपल ओवन है, जो उसमें नाइक्रोम के तार लगे होते हैं, उसके थ्रू जो हीटिंग आती है तब आपका भोज्य पदार्थ गर्म होता है, या आप जो भी इसमें सामग्री बना रहे हो, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, पिज्जा आदि जो भी आप बना रहे हो। ओवन की ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए नाइक्रोम के बहुत लंबे तार को कुंडली के रूप में लगाया जाता है। जब इसमें विद्युत प्रवाह होती है तो उसमें ऊष्मा प्रतिरोध के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे भोजन पकाने और भुनने की प्रक्रिया संभव होती है। इसमें आप क्या करोगे, आपके जो नाइक्रोम के तार है वो आपको हीटिंग देते हैं, और हीटिंग जब देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, आपका खाना पकाने और भूनने की प्रक्रिया संभव होती है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ओवन। टाइप्स ऑफ ओवन आपके तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका गैस से ऊष्मा उत्पन्न करने वाला ओवन, सेकेंड है विद्युत से ऊष्मा उत्पन्न करने वाला ओवन, और थर्ड है माइक्रोवेव ओवन। जो आपका फर्स्ट है गैस से ऊष्मा उत्पन्न करने वाला ओवन, इसमें क्या होता है, इसमें गैस से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें गैस का यूज किया जाता है, गैस को जलाकर तब उससे ऊष्मा ली जाती है। सेकंड है विद्युत से ऊष्मा उत्पन्न करने वाला ओवन, इसमें विद्युत की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, लाइट की सहायता से। थर्ड है माइक्रोवेव ओवन, आकार के आधार पर गोल एवं आयताकार ओवन प्रचलन में, इसका यूज अधिकतर घरों में किया जाता है। सिंपल ओवन से ज्यादा माइक्रोवेव ओवन का यूज अधिक किया जाता है हमारे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आपका मेन पार्ट्स में है, फर्स्ट है आपका ढांचा, मतलब ओवन का जो बेस होता है वो कैसा होता है। ओवन का जो कवर होता है वो एल्यूमिनियम क्रोमियम परत का बना होता है और लोहे का होता है। गोल ओवन में उसी प्रकार, गोल जो ओवन होगा आपका उसमें उसी प्रकार का ढक्कन भी गोल ही होगा, जिसके मध्य में कांच लगा होता है। ढक्कन में कई छेद होते हैं जिन्हें वेंट होल कवर कहा जाता है। इसमें भाप बाहर निकलती है। आयताकार ओवन के सामने की ओर खुलने वाला कांच की धातु का ढक्कन लगा होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके छेद होते हैं, आप जैसे पेस्ट्री, बिस्किट आदि बनाते हो ना, उसमें आपके लिए ये आपके लिए सहायक होते हैं। जो छेद होता है उसके थ्रू ओवन से बाहर भाप निकलती है। सेकंड है आपका तारियो प्लग, ओवन की हीटिंग के लिए विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक लचीला तार होता है, जिसके बाहरी छोर पर एक एवं तीन होते हैं, जिसे सॉकेट में लगाकर विद्युत का प्रवाह होता है। इसमें क्या होगा, आपकी जो हीटिंग होती है उसके लिए एक तार होता है ना, आप जब वो स्विच को लगाते हो, स्विच में प्लग लगाते हो, बट वो जो प्लग होता है वो तीन का भी होता है और दो का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी हीटिंग एलिमेंट्स, यह ओवन का महत्वपूर्ण भाग है जो ऊष्मा उत्पादक का कार्य करता है। यह नाइक्रोम का होता है, जिसे कुंडली के समान बनाकर लगाया जाता है। गोल ओवन में ओवन के किनारों तथा पैंदों पर यह हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि जो आपका तार होगा वो नाइक्रोम का होगा, क्योंकि उसी के थ्रू लाइट ओवन में जाती है और उसी के थ्रू आपका ऊष्मा उत्पादक कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका हैंडल। हैंडल जो होगा ओवन का वो कुचालक पदार्थ का बना होगा आपका, जिसका उद्देश्य ढक्कन को सरलतापूर्वक आप खोल सकते और बंद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके टांगे जो ओवन में लगे होते हैं। टांगे, ओवन के निचले हिस्से में चार टांगे होती है जिस पर ओवन सुरक्षित स्थिर रहता है। यह टांगे प्राय प्लास्टिक
के निर्मित होती है। इसमें जो आप ओवन को रखते हो ना, उसके नीचे चार प्लास्टिक के थोड़े छोटे छोटी टांगे से होती है, जो आपका ओवन है वो आप स्थिर रख सकते हो। फिर 6 है आपका कंटेनर। ओवन भोजन रखने एवं पकाने वाले बर्तन को कंटेनर कहते हैं। यह एल्यूमिनियम एवं प्लास्टिक का बना होता है। आयताकार ओवन में एक या दो अधिक होते हैं। इनकी सहायता से एक साथ कई भोज्य पदार्थ तैयार कर लिए जाते हैं। जो आपका कंटेनर होता है वो ओवन के बर्तन होते हैं। जो ये बर्तन हो गए आपके प्लास्टिक और स्टील के बने होते हैं। आयताकार जो ओवन होगा एक या दो उससे अधिक भी होते हैं, और आप इसमें कई भोज्य पदार्थ एक साथ रेडी भी कर सकते हो। नेक्स्ट है उपयोग एवं सावधानी। ओवन में सामग्री रखने से पहले उसे 5-10 मिनट गर्म कर लेना चाहिए। भोजन पक जाने के बाद ओवन को खड़ा करके गीले कपड़े से साफ कर देना चाहिए। गंदा नहीं रखना चाहिए उसको, आपका वर्क होने के बाद तुरंत उसको साफ कर देना चाहिए। बट उससे पहले आप स्विच को ऑफ करके और प्लग बाहर निकाल लें। थर्ड है ताप नियंत्रक द्वारा विधि के अनुसार ताप एवं समय का ध्यान रखें। आप जब खाना बना रहे हो तो आपको एक टाइमिंग रखनी होती है, उसमें उस टाइमिंग का आपको ध्यान रखना होगा। फोर्थ है कांच द्वारा भोजन को चेक करना चाहिए। कांच क्या होता है? कांच का ढक्कन होता है, आप उसको देखोगे तो उससे पता चल जाता है कि आपका खाना बन गया है या नहीं है, ठीक है ना, वो देखने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे करके आपकी ओवन वाली कंप्लीट यूनिट हो गई है।